उसने कोशिश की और वो जो काम कर रहा है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन हम सबको ये बात आत्ममंथन करनी चाहिए। क्या जरूरी है, मेरे जब तक निजी काम, मेरा स्वार्थ जब तक नहीं सकेगा, तब तक हम किसी की तारीफ भी नहीं करेंगे। तारीफ में तो कुछ जाता नहीं है भाई, कोई रुपया पैसा नहीं लगता, लेकिन हमारा समाज तारीफ करने के अंदर भी नफा नुकसान है। और हम बहुत मान सम्मान की बड़ी चिंता करते हैं। अंग्रेजों के जमाने आपके उस मान सम्मान को कैसे कुचला जाए, आपके अंदर अपने होने का बोध कैसे समाप्त हो जाए। वो पागल नहीं थे कि उन्होंने मैकोले को भेजा था भारत? मैकोले कोई शिक्षाविद नहीं था, मैकोले डिफेंस सेक्रेटरी था। इसलिए यहां क्या करना है उसको पता। उसने क्या एक रूल निकाला, कहा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके पिताजी का क्या नाम है। जब तक वो अंग्रेज ऑफिसर वेरीफाई नहीं करेगा, आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। आपने कभी ध्यान नहीं दिया? चलिए हम गुलाम जवान 47 में आजादी मिली, कहां मिली पता नहीं। ये 15 अगस्त की डेट कहां से आई, किसी के पास नहीं। आजादी के बावजूद भी 2014 तक ये सवाल हमारे मन में क्यों नहीं आया कि हमारी परंपरा में, हमारी आस्थाओं में एक ऐसा सच है जिसे दुनिया कुछ भी हो जाए कोई बदल नहीं। मेरे पिता का क्या नाम है, मेरे पिता कौन है, मेरी मां के अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, सिर्फ मेरी मां जानती है। लेकिन हम बिना खड़क बिना ताल नेहरू के कबूतर फूल एड बिना सदोस्ती लेटर टू डॉटर इन्हीं को ऐसे पढ़ते थे कि जैसे लगते थे कि हमारे बीच में कोई आदमी अंग्रेज है, और हम इतना महामंडित करते थे कि देखो हमारा आदमी अंग्रेजी बोलता है। और उसने साफ साफ कहा आपसे, छुपाया ये हमारी कायदा, उसने कहा माय कल्चर आई एम इंग्लिश, बाय एक्सीडेंट आई एम हिंदू। किसी ने पूछा ये एक्सीडेंट कहां हुआ था? हाँ था, क्योंकि हमें हीन भावना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा से कमतरी इतनी भर दी थी कि हम ये समझते थे कि यार हिंदू क्या, हमें सबको अंग्रेज। आप सोचें